नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। अडानी समूह और हिंडनबर्ग के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी के साथ ही शेयर बाजारों में अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट का दौर भी जारी है। इस बीच भारतीय जीवन बीमा निगम ने अडानी समूह में और निवेश का फैसला भी किया है। जहाँ तक अडानी समूह और हिंडनबर्ग के बीच जारी जंग की बात है, तो आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी के समूह ने वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को भारत, उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला बताते हुए कहा है कि आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मिथ्या धारणा बनाने की छिपी हुई मंशा से प्रेरित है, ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट भारत पर हमला नहीं थी। हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया से ढका नहीं जा सकता। इस बीच सोमवार को शेयर बाजारों के खुलने के साथ ही अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। जहां तक अडानी समूह की ओर से हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में 413 पृष्ठ का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, यदि उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि अडानी समूह ने कहा है, यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारत, भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा और महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। समूह ने कहा कि ये दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं और छुपाकर रखे गए तथ्यों का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह ने कहा कि ये निराधार और शर्मनाक आरोप किसी गुप्त मकसद से लगाए गए हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता और नैतिकता पर सवाल उठाया और कहा कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी की गई। अडानी समूह ने कहा कि यह इस बात से स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट को ऐसे समय में जारी किया गया जब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश कर रहा है। हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कंपनी के इस आरोप के बाद विविध कारोबार से जुड़े समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। अडानी समूह ने इससे पहले पिछले सप्ताह कहा था कि वह अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। वहीं अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। उधर अडानी समूह में LIC के निवेश को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस बीच खबर है कि जीवन बीमा निगम यानी LIC अडानी समूह की प्रमुख फर्म में और निवेश कर रही है। हम आपको बता दें कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद बीमा कंपनी फायदे में है। शेयर बाजार के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 20,000 करोड़ के FPO में एंकर निवेशक के तौर पर 300 करोड़ रुपए निवेश करके 9,15,748 शेयर खरीदे हैं। LIC ने एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों में से 5% शेयर खरीदे। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में एंकर निवेशक के तौर पर 33 संस्थागत निवेशकों ने कुल 5,985 करोड़ रुपये का निवेश किया। हम आपको बता दें कि LIC की पहले ही अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 4.23% हिस्सेदारी है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक LIC ने पिछले कुछ सालों में अडानी के शेयरों में 28,400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इन शेयरों की कीमत 72,000 करोड़ रुपये थी। अडानी समूह की कंपनियों में LIC के मौजूदा शेयरों की कीमत गिरकर 55,700 करोड़ रुपये रह गई है, लेकिन फिर भी वह वास्तविक निवेश से 27,300 करोड़ रुपये ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि LIC के पास अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 9%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.7%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.3% और अडानी टोटल गैस लिमिटेड में 6% शेयर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।